नमस्कार दोस्तों, से आपका स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार के 2 साल सेवा जतन और सरोकार के रहे हैं। इन 2 सालों में सरकार ने कई मोर्चों पर उपलब्धियां हासिल की है। भूपेश सरकार ने अपने कार्यकाल के जितने महीने पूरे नहीं किए उससे ज्यादा राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त किए हैं। आज सरकार को मिले सम्मानों पर करेंगे चर्चा, पर उससे पहले एक खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है कि उन्होंने अपने शुरुआती 2 सालों में ही देश के सामने कई मॉडल प्रस्तुत कर दिए हैं। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ के कार्यों और योजनाओं की चर्चा दिल्ली में होती रहती है, बल्कि राष्ट्रीय सम्मान भी लगातार राज्य को मिल रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने कार्यकाल के 24 महीने ही अभी पूरे किए हैं और उन्होंने अपने गुड गवर्नेंस से 29 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य को दिलाए हैं। खास बात ये है कि 2020 का साल कोरोना संक्रमण के प्रभाव के बीच गुजरा, लेकिन इसके बाद भी सरकार ने बेहतरीन काम किया। नतीजा ये रहा कि इस साल भी राज्य सरकार के ढेरों राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। आइए आपको बताते हैं छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान के बारे में। 2020 में छत्तीसगढ़ को प्राप्त राष्ट्रीय पुरस्कार, मछली पालन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए राष्ट्रीय सम्मान, मोर जमीन मोर मकान आवास योजना को राष्ट्रीय सम्मान, पढ़ई तुहर द्वार को राष्ट्रीय सम्मान, बिलासपुर और सूरजपुर जिले को नेशनल वाटर अवार्ड, सर्वाधिक ODF प्लस गाँव के लिए मिला पुरस्कार, स्वच्छता सर्वेक्षण में राष्ट्रीय पुरस्कार, मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल एवं मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार, ई पंचायत को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, 3 पंचायतों को राष्ट्रीय पुरस्कार, स्कूल शिक्षा विभाग को ई गवर्नेंस अवार्ड, बेमित्रा को मिला स्वच्छता दर्पण अवार्ड, दंतेवाड़ा को सुपोषण अभियान के लिए सिल्वर स्कॉच अवार्ड, सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन के लिए कृषि कर्मठ पुरस्कार, 2019 में छत्तीसगढ़ को मिला राष्ट्रीय पुरस्कार, मनरेगा आजीविका मिशन आवास PMGSY को उत्कृष्ट कार्यों के लिए 22 पुरस्कार, आदर्श महिला समूह को पादप जीनोम सेवियर पुरस्कार, नगरी और लोहारा को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, कांकेर जिला को राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पंचायत अवार्ड में राज्य को 11 पुरस्कार, बाल मित्र पंचायत पुरस्कार, ग्राम स्वराज अभियान के लिए 9 राष्ट्रीय पुरस्कार, कांकेर को स्वच्छता के लिए क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार, लिंगानुपात में निरंतर वृद्धि के लिए रायगढ़ को राष्ट्रीय पुरस्कार। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को BP मंडल सामाजिक न्याय रत्न सम्मान, पोषण अभियान के लिए 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार, कोंडागांव जिला देश में प्रथम, निर्वाचन में सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन के लिए राष्ट्रीय सम्मान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए राष्ट्रीय सम्मान, 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को राष्ट्रीय पुरस्कार। 2 सालों के कार्यकाल की उपलब्धियों पर CM ने कहा कि 2 दर्जन से ज्यादा पुरस्कार भारत सरकार से छत्तीसगढ़ को मिल चुके हैं, चाहे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे पंचायत में काम करने की बात हो। छत्तीसगढ़ पूरे देश में स्वच्छता रैंक में प्रथम स्थान पर रहा है। राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है, जिसकी भारत सरकार ने प्रशंसा की है। 2 दर्जन से अधिक पुरस्कार छत्तीसगढ़ सरकार को मिला है भारत सरकार के द्वारा, चाहे वो एक्सप्रेशनल डिस्ट्रिक्ट की बात हो, चाहे कुपोषण के खिलाफ लड़ाई की बात हो, चाहे कोविड के दौरान क्वारंटाइन सेंटर की व्यवस्था की बात हो, चाहे मध्यान्ह भोजन बंद होने के बाद सूखा राशन बच्चों को पहुंचाने की बात हो, चाहे पंचायत में काम करने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ पूरे देश में स्वच्छता में अग्रणी रहने की बात हो, अनेक विषयों में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान पर रहा है। अनेक विभागों के द्वारा अच्छा काम किया गया है, जिसको भारत सरकार ने भी प्रशंसा की है। कहते हैं कि सम्मान मिलने का अर्थ होता है आप जो काम कर रहे हैं वह बढ़िया है और भविष्य में उससे बेहतर करना है। छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार इसी सोच के साथ आगे बढ़ रही है
उम्मीद है कि सरकार आने वाले सालों में गर्वोन्नवा छत्तीसगढ़ की नारी को इसी तरह से साकार करती रहेगी। और इस खास मुद्दे पर चर्चा होगी। हमारे साथ रायपुर स्टूडियो से जुड़ रहे हैं सत्यनारायण शर्मा, वरिष्ठ विधायक हैं कांग्रेस से, बाबूलाल शर्मा हैं वरिष्ठ पत्रकार, और वैभव शिव पांडे हमारे संवाददाता रायपुर स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले सत्यनारायण शर्मा, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सत्यनारायण जी, ये कहें कि दो साल बेमिसाल लगता है, तकनीकी खराबी के चलते अभी सत्यनारायण शर्मा इस वक्त नहीं जुड़ पाए हैं, वैभव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव, दो साल बेमिसाल छत्तीसगढ़ सरकार के, क्योंकि आपने तो जमीनी स्तर पर रिपोर्टिंग की है, आप जरा बखूबी बता पाएंगे कि कैसे रहे छत्तीसगढ़ सरकार के दो साल। बिल्कुल, दो साल छत्तीसगढ़ सरकार के काफी अच्छे रहे हैं, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि दो साल नहीं बल्कि आप एक साल के कामकाजों को देखिए, क्योंकि एक साल का वक्त तो कोरोना संकट के बीच में गुजरा है, बावजूद इसके कि छत्तीसगढ़ सरकार ने कई मोर्चों पे काफी अच्छा काम किया है और उसकी सराहना छत्तीसगढ़ में तो हो ही रही है, केंद्रीय स्तर पर भी हो रही है। और इसी का परिणाम है कि 24 महीने के इस कार्यकाल में भूपेश सरकार को 29 से ज्यादा जो है राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त हो चुके हैं, तो एक बड़ी उपलब्धि है सरकार के लिए। लेकिन इस उपलब्धि के साथ सरकार के सामने जो आने वाले 3 वर्षों में कामकाज को लेकर की जो चुनौतियां हैं वो भी काफी बड़ी रहेगी, क्योंकि जैसे ही आपको सम्मान मिलना शुरू होता है निश्चित तौर पे आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि आपको निरंतर बेहतर करना है। तो भूपेश सरकार के सामने एक चुनौती रहेगी कि कैसे और इसमें बेहतर करते चले जाए और अपनी जो बुनियाद है उसको और मजबूत कर सके, ताकि आने वाले जो साल है और भविष्य में उसको एक मजबूत जो है आधार मिल सके। मुझे लगता है इस बारे में जो है हमारे साथ हमारे वरिष्ठ जो है पत्रकार हैं बाबूलाल शर्मा जी और ज्यादा बढ़िया तरीके से उसका विश्लेषण कर पाएंगे। लेकिन मैं जिन चीजों को समझ रहा हूं, मुझे लगता है कि भूपेश सरकार ने वाकई में उन मोर्चों पे काफी अच्छा काम किया है, खासतौर पे चाहे वो कृषि का मसला हो, खेती किसानी से जुड़े हुए विषय हो, पंचायत स्तर पे जो है ग्रामीण स्तर पे ग्रामीणों को मजबूत करने की बात हो, चाहे वो उसमें मनरेगा का काम हो या फिर प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का काम हो या फिर वैभव की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। बाबूलाल शर्मा भी इस वक्त हमारे से जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। बाबूलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। बाबूलाल जी, कई सरकारें आई और कई सरकारें गई आपके सामने, और हर सरकार को बखूबी आपने देखा, बखूबी समझा, सरकार के कार्यों को आपने बखूबी देखा। हालांकि भूपेश सरकार को आप कितने नंबर देंगे और अन्य सरकारों से भूपेश सरकार कैसे अलग है? तकनीकी कुछ खराबी है और बाबूलाल शर्मा जी की भी आवाज हम तक सही से नहीं आ पा रही है। वैभव, मैं आपके पास जाना चाहूंगा। वैभव, अपनी बात पूरी कीजिए आप। मैं यही बता रहा हूं कि भूपेश सरकार के इन 2 वर्षों के कामकाज को अगर आप देखेंगे तो इसको बुनियादी तौर पर आपको ग्रामीण क्षेत्रों में जो कामकाज किए गए हैं उस ओर ज्यादा जो है देखने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है और इससे इनकार कतई नहीं किया जा सकता है। इसकी स्वीकारिता जो है बकायदा केंद्र सरकार की तरफ से भी की गई है। मनरेगा का सबसे बेहतरीन कामकाज जो है इस कोविड काल में अगर कहीं पे हुआ है तो छत्तीसगढ़ में हुआ है। छत्तीसगढ़ में जो प्रवासी मजदूर जो लौट के आए उनको लगातार काम दिया गया और बकायदा कोविड नियमों का पालन करते हुए, और इसके लिए जो है पीठ भी तप्त पाई गई जो है केंद्रीय स्तर पर। 2019 में भी इसी तरीके से मनरेगा के क्षेत्र में भूपेश सरकार ने काम किया और उपलब्धि ये रही कि वो नंबर 1 प्रदेश रहा छत्तीसगढ़, इसके लिए जो है केंद्रीय स्तर पर सम्मानित भी किया गया। इसी तरह से छत्तीसगढ़ के कई पंचायतों ने जो है अपनी बलबूते पर और सरकारी योजनाओं का जो है लाभ उठाते हुए सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जो है उदाहरण पेश किया है, और इसमें छोटे जो इलाके के हैं जो कि आदिवासी अंचल इलाके के जो गांव है वहां पे ये सारी चीजें देखने को मिली है। चाहे सरगुजा अंचल में आप बलरामपुर सूरजपुर जिले चले जाइए या
रायपुर संभाग में ही धमतरी के इलाके में चले जाइए जो कि आदिवासी अंचल है, नगरी सिहावा का क्षेत्र है। वहां के ग्राम पंचायतों ने बताया कि किस तरीके से जो है ग्रामीण जो है व्यवस्था को, ढांचा को मजबूत किया जा सकता है और कैसे एक मजबूत ग्राम सभा जो कि एक महत्वपूर्ण इकाई होती है सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए, उसके जरिए कैसे जो है ज्यादा से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ दिया जा सकता है। ई पंचायत के क्षेत्र में भी कई ग्राम पंचायतों ने बेहतर काम किया है और इसके लिए भी जो है भूपेश सरकार को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है, तो एक बड़ी उपलब्धि है। पंचायत स्तर पर इसकी समीक्षा जो है और जमीनी स्तर पर जाकर के की जा सकती है, लेकिन ये जरूर है बहुत कम समय अभी भूपेश सरकार को हुए हैं अपने कामकाज को लेकर के, क्योंकि देखिए जो पहला साल रहा 2019 का, अगर साल को आप देखेंगे तो 17 दिसंबर 2018 को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शपथ लेते हैं, अपने कामकाज की शुरुआत करते हैं और सबसे पहली शुरुआत करते हैं वो कर्जा माफी से, किसानों से जुड़े हुए विषयों को लेकर के वो आते हैं, कर्जा माफी करते हैं, फिर 2500 रुपए के जो है दर पर धान खरीदी की व्यवस्था करवाते हैं और उसके बाद जब वो आगे आते हैं जनवरी फरवरी में तो मार्च अप्रैल का जो महीना है वो एक तरीके से चुनावी महीना, लोकसभा का चुनाव चले जाता है। तो मुझे लगता है पहले साल में तो भूपेश सरकार के पास 8-1 महीने काम करने के लिए रहे और दूसरे साल में जब आते हैं आप 2020 के साल में तो जनवरी और फरवरी का महीना बीता था और मार्च का महीना जो बजट सत्र का सेशन चल रहा था उसी दौरान कोविड को लेकर के दिशा निर्देश आया और उनके बीच में कामकाज करना पड़ा सरकार को, तो वो महीना और अभी तक का अगर देखें तो कोविड काल चल ही रहा है, तो ये एक तरीके से कोरोना संक्रमण के बीच गुजर रहा है 2020 का साल। लेकिन अगर इन 24 महीने अगर ना भी मानूं, मैं अगर इसको सिर्फ 10, 11 या 12 महीने के तौर पे देखूं तो 29 अगर राष्ट्रीय सम्मान किसी राज्य सरकार को अगर मिल रहे हैं तो उसमें निश्चित तौर पर कुछ तो बात होगी और इसके लिए शायद भूपेश सरकार को सम्मानित होने के साथ को खुश होने के साथ साथ ये भी देखना होगा कि अब उनके पास कितनी बड़ी जवाबदेही है इस देश के भीतर में अच्छा काम करने को लेकर के, एक अच्छा जो है शासन देने। निश्चित तौर से वैभव जवाबदेही तो है और सत्यनारायण शर्मा भी वरिष्ठ विधायक इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यनारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, 29 से ज्यादा राष्ट्रीय पुरस्कार अब तक 2 साल में भूपेश सरकार को मिल चुके हैं, गुड गवर्नेंस करा जा रहा है देश भर में, तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई और आप क्या चुनौतियां मानते हैं आने वाले समय में? धन्यवाद। देखिए आने वाले समय में भूपेश बघेल जी की सरकार को क्या सामने कोई चुनौती नहीं है जी। सबसे बड़ी बात तो है भूपेश जी का जो जो धारणा अवधारणा थी गड़बो नवा छत और इसके अलावा कटका जी जी, सबसे बड़ी बात तो ये थी किसानों की चिंता किसानों का कर्ज माफी करके भूपेश बघेल जी ने ये साबित कर दिया किसानों के यदि कुछ कोई हितैषी है तो भूपेश बघेल जी की सरकार है। किसानों के कर्ज माफी, धान खरीदी, ये ऐसे काम गजब के काम थे जिसके कारण हमारा किसान खुशहाल हुआ, किसान प्रसन्न हुआ और किसान अन्नदाता हमारे सर्वाधिक श्रेष्ठ हमारे साथी हैं। उन समस्याओं को दूर करने में भूपेश बघेल जी ने जरा से भी देर नहीं की। और तीसरा जो हमारा था नरवा गुरुवा बाड़ी गुरुवा बाड़ी, ये ऐसा कंसेप्ट था जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को जिसमें मजबूती मिली, गोदानों का निर्माण करना था, इसे काफी मजबूत हुई है जी। मैं ये कह सकता हूँ कि उनका पुरस्कार भूपेश बघेल जी की सरकार ने प्राप्त किए, चाहे कुपोषण के खिलाफ हो, चाहे पंचायत के कार्यों को लेकर के हो और चाहे स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम नंबर पर आकर के, ये साबित कर दिया कि कांग्रेस की भूपेश बघेल जी की सरकार, कांग्रेस की सरकार सर्वश्रेष्ठ काम करके और श्रेष्ठ पुरस्कार प्राप्त किया, सम्मान प्राप्त किया है। और देखिए हमारी योजनाओं को देखिए, मोर जमीन मोर मकान, ये कितना गरीबों का
शिक्षा के प्रति रुझान, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल करके एक नई व्यवस्था कायम की, चाहे नगर पालिका क्षेत्र में देखें सर्वाधिक कार्य किए, हर विभाग के द्वारा सर्वश्रेष्ठ काम करने का अगर कोई काम किया तो भूपेश बघेल सरकार ने किया है। आप देखें बिलासपुर और सूर्यपुर जैसे जगह को वाटर अवार्ड मिला है, नेशनल वाटर अवार्ड, नेशनल वाटर अवार्ड मिला है, ये कोई साधारण काम नहीं है भूपेश बघेल जी। इन दो वर्षों में एक वर्ष तो कोविड की भेंट चढ़ गया, केवल ठीक से एक वर्ष काम करने को मिला है। मनरेगा में सर्वाधिक काम करके साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी की सरकार जो कहती है वो करती। हमने 36 वादे पूरे कर दिए और उसके अलावा मैं बताना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री सुगम सड़क मार्ग, सड़क की जो व्यवस्था, व्यवस्था को मजबूती दी है, प्रधानमंत्री सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना, ये ऐसे काम है। ठीक है, योजनाओं की बात हम सत्यनारायण जी करेंगे, लेकिन बाबूलाल शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बाबूलाल जी, तमाम सरकारें आपके सामने आई और तमाम सरकारें आपके सामने से गईं, भूपेश बघेल सरकार अन्य सरकारों जैसी है या अलग है? अगर अलग है तो कितना अलग है, और भूपेश सरकार के इन दो सालों को आप कितना नंबर देंगे 10 में से? देखिए, नंबर देना हमारा काम नहीं, मैं पहले भी ये कह रहा था जी, लेकिन समीक्षा कर सकते हैं कि सरकारों में क्या फर्क है जी। तो ये बड़ा फर्क तो साफ साफ ही नजर आता है कि जितना डॉक्टर रमन सिंह का शहरी क्षेत्र में विकास का ध्यान था, उतने से कहीं ज्यादा जो है इनका, इस सरकार का ग्रामीण क्षेत्र में विकास का ध्यान है। और रमन सरकार के समय ग्रामीण विकास की बातें होती थी, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन जो है वो भूपेश सरकार ने बहुत तेजी के साथ किया और नई नई ऐसी योजनाएं लाई जो अंतिम व्यक्ति, जो बात करते हैं कि हम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने वाली सरकार बने, तो ये अंतिम व्यक्ति के पास तक पहुंचने वाली सरकार के रूप में ये जानी जाएगी कि अंतिम व्यक्ति की जेब में भी ये सीधे पैसा पहुंचाने का काम गोबर बिनने तक के लोगों को जो है पैसा पहुंचा रही है। इनकी योजनाएं देखिए आप, जितनी भी योजनाएं इन्होंने बनाई है, बड़े ध्यान से आप देखें, 70% योजनाएं ग्रामीण किसानों के ऊपर आधारित है, चाहे वो कर्ज माफी हो किसानों का है, समर्थन मूल्य है, राजीव गांधी न्याय योजना है, नरवा गरवा घुरुआबारी है, गौठान योजना है, गोबर योजना है, आदिवासियों की जमीन वापसी है, सुपोषण अभियान है, या एक और मैं बड़ी बात कर रहा हूँ, नया कृषि बिल की तैयारी है, घरसा विकास योजना, आपको आश्चर्यजनक बात बताऊं, अभी भैया ने बताया मोर जमीन मोर मकान भी एक बहुत बढ़िया योजना है, उसी तरह घरसा विकास योजना, आपने घरसा विकास योजना समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन वास्तविकता क्या है कि जो खेत खलिहान तक जाने के जो पैरों से रास्ते बनते हैं उसको भी अच्छी सड़क बना करके देने की बात जो है इस सरकार ने सोची, मतलब ग्रामीणों के डीप से डीप अंदर, क्योंकि वो किसान है, मुख्यमंत्री खुद किसान है, वो जानते हैं क्या क्या तकलीफें होती हैं, उन घरसा वो उस पगडंडियों में जाने पर पैरों में कांटे कैसे चुभते हैं, वो सारी चीजें समझ करके उसमें सड़क बनाने की बात तक इन्होंने की है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसका जो ग्रामीण विकास का जो कॉन्सेप्ट है वो बड़ा जबरदस्त है, और डॉक्टर रमन सिंह के सरकार के समय आप लोगों ने देखा होगा बड़े बड़े पुल पुलिया सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में ज्यादा ध्यान रहा, तो वो ग्रामीण की तरफ तरह कम रहा था। इस सरकार का पूरा ध्यान जो है ग्रामीण और किसानों के ऊपर है, जिसकी वजह से जो है इसका सामना करना मुश्किल जा रहा है। अब 3 साल बाकी है, 2023 में चुनाव है, तो आज जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो शुरुआत की है वो गोबर योजना का विरोध किया है, ठीक है, आलोचना विपक्ष की तरफ से आनी चाहिए और सरकार को सकारात्मक ढंग से लेना भी चाहिए, क्योंकि सिस्टम पर पूरा भरोसा किसी सरकार को नहीं करना चाहिए, ध्यान भी रखना चाहिए, अगर विपक्ष कोई आरोप लगा रहा है तो उसको सकारात्मक पहलू देख करके, जांच करके, देख करके और अपनी व्यवस्था को सुधार लेना चाहिए। तो इस सरकार की योजनाओं का जो लाभ अगर जनता तक पहुंच जाए, जो कॉन्सेप्ट इनका है नरवा गरवा घुरवा बारी का, ये अगर सक्सेस हो जाए या और भी जितनी योजनाएं सक्सेस हो जाए, तो मैं समझता हूँ इनकी तोड़ करना बहुत मुश्किल होगा। सही बात, एकदम सही बात कह रहे हैं आप। सत्यनारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, कोई भी योजना होती है राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की, वो साकार तभी हो पाती है जब उसका लाभ ग्रामीण अंचल तक
और निचले तबके तक हर आम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। छत्तीसगढ़ सरकार में भूपेश सरकार के लिए बहुत बड़ी ये चुनौती थी, इस चुनौती से कैसे जंग जीती आपने कि हर आम व्यक्ति तक इस योजना का लाभ पहुंच पाए, भ्रष्टाचार की भेंट योजनाएं ना चढ़ा करें? सारे लोगों ने, अधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने और जनप्रतिनिधियों ने मिल करके पूरी योजना को अंतिम उसमें पहचाने का पहुंचाने का संकल्प किया और उसको पहुंचाने का निर्णय लिया। और इस तरह से हर व्यक्ति उमेश बघेल जी के द्वारा बनाई गई योजना को सरकार सफल बनाने में जुट गया। ईमानदारी के साथ सब लोगों ने काम किया और इसीलिए हमें सफलता मिली। उपलब्धि का सबसे बड़ा कारण ये पूरे जाति में एकता हुई, पाटन का बीच में और हर मोर्चे पर हमने लड़ाई करने तो उसमें हमने विजय पाई। कोरोना के कार्यकाल में सबसे ज्यादा देखा जाए तो लोगों को कितनी मदद की है, खाने पीने से लेकर के उनके घर पहुंचाने तक और उनके आने जाने की व्यवस्था तक, ये पूरी व्यवस्था माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार ने की। और हमें कांग्रेस की सरकार को तो रेलवे जैसे रेल चलाई उसकी सूचना कर दी गई थी ताकि ठीक से लोगों की व्यवस्था कर सके। जितने लोग आए सबका स्वागत करके सम्मान करके, यहाँ तक कि हमारे माननीय विकास उपाध्याय जी ने लोगों को जूते घर पहनाए, ये साधारण सेवा नहीं जबरदस्त सेवा है। और इसलिए मैं कांग्रेस से कह सकता हूँ अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने ईमानदारी से भूपेश बघेल जी की सरकार को सफल बनाने में सहयोग किया है। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास भी आऊंगा। आपकी आवाज सत्यनारायण जी सही तक हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लगता है कि टेक्निकल इश्यू और उसकी हमारी टीम भी लगातार उसे सुधारने की कोशिश कर रही है। वैभव, आप अच्छे से बता पाएंगे क्योंकि आप जमीनी हकीकत वहां पर देखे हैं, कैसे योजनाओं का सही ढंग से क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ में होता था, आखिर कैसे हर आम आदमी तक जो मूलभूत योजना है सरकार की वो पहुंच पाती थी, भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ती थी? देखिए, इसमें मुख्य जवाबदेही रहती है जो इलाके के प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो कैसे ग्रामीणों के बीच में, जनता के बीच में, हितग्राहियों के बीच में सरकार की योजनाओं को पहुंचाए, कैसे उस पर बेहतर कामकाज हो। और शायद हमारे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी इस बात से सहमत भी होंगे कि किसी भी शासन व्यवस्था में जो प्रशासन की जवाबदेही है, जिम्मेदारी है, वो महत्वपूर्ण रहती है। प्रशासनिक तंत्र आपका अगर ठीक ठाक तरीके से काम कर रहा है तो निश्चित तौर पर सरकार की योजनाएं जो है बेहतर तरीके से पहुंचेगी और उसके बाद फिर सरकार को सम्मानित होने का अवसर भी मिलेगा। और यही छत्तीसगढ़ में देखने को मिला है। अगर निर्वाचन के बीच में जाएंगे तो निर्वाचन में हमने देखा कि सुब्रत साहू जी जब मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी थे तो उन्होंने बेहतर काम किया और इसके लिए उन्होंने राष्ट्रपति ने उन्हें सम्मानित भी किया। यही काम जो है बतौर एसपी मोहित गर्ग ने भी जो है आदिवासी अंचल में करके दिखाया था। इसी तरीके से दंतेवाड़े में अगर सुपोषण अभियान को जो है चर्चा हुई, उसकी तारीफ हुई, उसे सम्मानित किया गया तो उसमें पूरे जिले प्रशासन के जो वहां के जो अधिकारी हैं उनकी जवाबदेही थी कि कैसे उसका बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करवा पाए तो उसके लिए उन्हें सम्मानित करने का अवसर मिला। कोंडा गांव जैसा जो एक नया जिला, छोटा जिला है, अगर वहां के जो है कलेक्टर उस जगह पे जाके पुरस्कृत हो रहे हैं, राष्ट्रीय सम्मान उस जिले को मिल रहा है तो उसमें निश्चित तौर पर जिले के जो अधिकारी हैं उनकी भूमिका बनती है। और यही हमने देखा रायगढ़ के इलाके में भी, रायगढ़ में भी बतौर तत्कालीन कलेक्टर उसमें यशवंत कुमार जी जो है सम्मान प्राप्त करने पहुंचते हैं लिंगानुपात में। देखिए, छत्तीसगढ़ में और देश में सबसे ज्यादा अच्छी जो रेशियो, अच्छा रेशियो है तो वो छत्तीसगढ़ का है। और छत्तीसगढ़ में अगर रायगढ़ जिले में लिंगानुपात की स्थिति काफी बेहतर है तो निश्चित तौर पर वहां के जो जिला प्रशासन के अधिकारी है उन्होंने अच्छा काम किया होगा। बेमेतरा में स्वच्छता दर्पण का अवार्ड अगर वहां पे कलेक्टर जाके ग्रहण कर रही है, जिला पंचायत के सीईओ ग्रहण कर रहे हैं तो मतलब जिला प्रशासन ने वहां पे काम अच्छा किया है। तो इसी तरीके से जहां भी जिला प्रशासन के जो अधिकारी हैं, टीम है, अगर वो संबंधित योजनाओं पे बेहतर काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और इसी से गुड गवर्नेंस दिखाई पड़ता है, प्रशासन से ही अच्छा जो है शासन व्यवस्था अपने को देखने को मिलता है। और इसमें जो मुख्य फिर भूमिका के तौर पर जो आते हैं तो वह है मुख्यमंत्री की समय समय पे मॉनिटरिंग करना कि
कि उनकी योजनाएं जो है बेहतर तरीके से जमीनी स्तर तक पहुंच रही है नहीं, जिला प्रशासन के अधिकारी उसमें अच्छा काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कौन अधिकारी अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सतत जो है उनसे बातचीत भी की गई और इसी हमने इसी दौरान जो है ये भी देखा कि जहां जहां पे व्यवस्थाएं अच्छी नहीं है तो वहां पे बदलाव भी देखने को मिला, बड़े पैमाने पर ट्रांसफर भी होते रहे ताकि सुदृढ़ व्यवस्था बनी रहे, अच्छी व्यवस्था बने रहे और जो अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं उसको जमीनी स्तर पर तैनात किया गया। शायद इस बारे में अनुभवी तौर पर बाबूलाल शर्मा जी से अगर हम इसको और समझे तो और ज्यादा वो बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि शासन की अच्छी व्यवस्था अच्छी योजना पे अगर बात होती है उसमें प्रशासन की जवाबदेही भी तय होती है और उसको जो दिशा निर्देश जो मिलते हैं सरकार की तरफ से उस हिसाब से काम होता है। तो मुझे लग रहा है कि अनुभव के नाते हमें बाबूलाल शर्मा जी से इसे बेहतर समझना चाहिए। जी बाबूलाल, इसलिए आप भी जान लेते हैं कैसे क्रियान्वयन हो पाता होगा छत्तीसगढ़ में इन योजनाओं का, जिससे हर एक तबके का व्यक्ति इन सब से लाभ ले पा रहा है। देखिए हमको समझना यह होगा कि जब सरकार बैठती है नई तो उसके लिए सब कुछ नया होता है और जब हमारी सोच में हमारे भूपेश बघेल जो है उनकी जो सोच है वो छत्तीसगढ़िया सरकार, छत्तीसगढ़ियों की सरकार, अपने लोगों की अपनी सरकार, छत्तीसगढ़िया स्वाभिमान की सरकार, इस तरह की प्रतिष्ठा दिलाने का प्रयास हो और ग्रामीणों को आकर्षित करने का प्रयास हो तो निश्चित रूप से जो सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में इंटरेस्ट लेने वाली जो सिस्टम थी, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके लिए एक नयापन आ जाता है। हमारे लिए ब्यूरोक्रेट्स नए हैं और ब्यूरोक्रेट्स के लिए हमारा योजनाएं नई हो जाती हैं, तो उनमें से हमको छांटना पड़ता है सरकार की तरफ से कि कौन लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट के साथ में काम ईमानदारी से कर सकते हैं। तो उस छांटने में भी बहुत टाइम लगता है, आप इस बात को समझ लीजिए। हम बाहर से कितनी भी बात करें, जितने हम मुख्यमंत्री पद में बैठेंगे तो हमको सब सारी चीजें समझ में आती हैं। तो वो स्थिति पैदा हुई और उसमें सरकार छांटने के लिए समय कितना मिला, आप दो साल की समीक्षा हम करने बैठे हैं तो एक साल तो उनका ऐसे ही बेकार गया। लोकसभा चुनाव आ गए, पंचायत चुनाव आ गए, स्थानीय निकायों के चुनाव आ गए, अब इससे पूरा साल निकल गया, फिर कोरोना सामने आ गया, तो बहुत सारा समय बेकार चला गया। उसके बावजूद भी जितना समय भी काम करने को मिला है उसको अगर आप आंकलन करें तो बेहतर काम करने का प्रयास इस सरकार ने किया है हम कह सकते हैं। और जो ब्यूरोक्रेसी का जो ध्यान खाली इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ था वो ध्यान अब ग्रामीणों की तरफ बढ़ने लगा है और सहमत करा सकी है भूपेश सरकार ब्यूरोक्रेट के लोगों को, जो ईमानदारी से काम करके दिखा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन पूरी सिस्टम के साथ जो सिस्टम है नीचे स्तर जो योजनाओं को ले जाता है उस सिस्टम पर पूरा भरोसा करना बहुत मुश्किल काम है। उस सिस्टम पर नजर रखना जरूरी है, उसके खिलाफ अगर शिकायतें आती तो उस पर एक्शन जरूरी है ताकि वो अपनी योजनाओं को खराब न कर सके। कई जगह से कई निगेटिव खबरें आती है तो उसको ध्यान देना पड़ता है। तो निश्चित रूप से एक साल के काम में अपने जो है विश्वास पैदा करने का प्रयास किया। देखिए मैं आपको एक मोटी बात बताता हूँ, जनता का यदि विश्वास सरकार पर हो जाए, जनता को विश्वास हो जाए कि ये सरकार झूठी नहीं है, सच बोलती है, जैसे बोनस देने की बात 2500 का जो राजीव न्याय योजना की तरह जो पैसा दिया जा रहा है चार किस्तों में, तो उन्होंने चार किस्तों में ही कहा था तो वो चार किस्तों में मिलेगा ये विश्वास होना चाहिए। आज देखिए मोदी सरकार के लिए किसान जो बैठे हुए हैं वो किसान विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो सरकार के प्रति अगर अविश्वास होता है तो बड़ा संकट खड़ा हो जाता है। तो इस सरकार ने विश्वास जीतने का प्रयास किया जो लगभग सफल दिखाई दे रहा है और जो भी कमियां होंगी, मैं नहीं कहता कि कमियां नहीं होंगी, सरकार 100% राइट होगी, कमियां बहुत सारी होंगी क्योंकि सिस्टम है, उस सिस्टम में जहां जहां लूप होगा वहां वहां इनको टाइट करना पड़ेगा, नट कसना पड़ेगा और पूरी मॉनिटरिंग रखनी पड़ेगी और अपने कार्यकर्ताओं को सजग रखना पड़ेगा, कार्यकर्ताओं को बताना पड़ेगा कि होशियारी के साथ कोई भी काम होना चाहिए और सरकार की मंशा के अनुरूप उनकी योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच जाए इस बात का प्रयास हर कार्यकर्ता करे और नजर रखे। निश्चित तौर पर, और हर कार्यकर्ता ये प्रयास करेगा तभी अंतिम छोर के व्यक्ति तक योजना का लाभ पहुंच पाएगा। वैभव मैं आपके पास लौटूंगा। देखिए गोबर को अक्सर वेस्ट मटेरियल माना जाता है और गोबर को ऐसे ही फेंक दिया जाता था, गोबर का कोई संग्रहण नहीं करता था, इकट्ठा नहीं करता था, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर खरीदी की योजना ही बना डाली, यानी कि गोबर भी अब पैसों से बिक रहा है, तो लोग गोबर इकट्ठा कर रहे हैं, उसे बेच रहे हैं और एक आजीविका का स्रोत भी बन गया है गोबर छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, और मुझे जो है खुश भी होना चाहिए क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं गांव से आता हूँ, तो मैं इस चीज की जो है अहमियत को बहुत बखूबी समझता हूँ।
कि गोबर जो है उसकी अहमियत जो है गांव में जो गौ पालक हैं, जो किसान हैं, उनके बीच में कितनी महत्वपूर्ण है। सही बात है कि कभी कभी ये भी होता था कि अतिरिक्त गोबर अगर आ गया तो उसकी फिर व्यवस्था क्या है। ज्यादातर लोग जो है कंडे बनाने में ही उसका उपयोग करते थे और उसके बाद फिर कोई ज्यादा उपयोग रहता नहीं था, लेकिन जब अब उसकी कीमत तय हो गई है तो वो बकायदा इकट्ठा करके उसका जो है विक्रय कर रहे हैं, और उस विक्रय के बाद जो चीजें जो सरकार पहुंच रही तो उससे देखिए कितने महत्वपूर्ण उत्पाद बन रहे हैं। खाद तो बन रहे हैं, उस खाद का जो उपयोग होगा उसका जैविक खेती की ओर जो है एक महत्वपूर्ण कदम के तौर पर है। दूसरी चीज, गोबर से ही कई बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है, सजावटी वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। उसमें एक दिया को हमने जो है एक प्रमुख उत्पाद के तौर पर देखा और जिसका इस्तेमाल छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग राज्यों तक में हुआ, विदेशों तक से जो है उसकी डिमांड आई कि गौ दीपक जो है उसकी जो है सप्लाई बड़े पैमाने पर हो सके। गो कास्ट का निर्माण हो रहा है, यानी कि अब जलाऊ लकड़ी की जगह गोबर से बने हुए जो लकड़ी जैसा उत्पाद है, कास्ट है जो एक मजबूत है, उसको दाह संस्कार के तौर पर उपयोग किया जाएगा, अलाव के तौर पर उपयोग किया जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ढाबों में जो बड़े पैमाने पर लकड़ियां या कोयला वगैरह का उपयोग करते हैं जिससे एक प्रदूषण भी जो है फैलता है, तो उस ओर भी जो है उसकी उपयोगिता बढ़ जाएगी। और छत्तीसगढ़ के इसी मॉडल को दिल्ली सरकार ने अपना भी लिया, गो कास्ट की सप्लाई अब वहां पे दिल्ली में जो है मुक्ति धामों में किया जाना है। वहां पे तय किया है दिल्ली की सरकार की तरफ से कि हम वहां पे अब गोबर से निर्मित जो है कास्ट उसका उपयोग करेंगे दाह संस्कारों के लिए, तो एक बड़ी बात है। तो यही बात मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे ऐसे जो उपलब्धियां रही है सरकार की जो कि मॉडल के तौर पर दिखाई दिया है और उसे अलग अलग राज्यों में प्रस्तुत करने की बात हो रही है। बीते दिनों कांग्रेस की ही जो है राष्ट्रीय महामंत्री महासचिव प्रियंका गांधी ने इसे ट्वीट करते हुए कहा कि यूपी सरकार को भी इस मॉडल को जो है अपनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे बड़ी संख्या में जो गौ पालक है। तो मुझे लग रहा है एक दिशा देने का काम तो इस सरकार की तरफ से किया ही गया है, बल्कि इससे एक रोजगार की जो संभावनाएं बढ़ी है वो भी महत्वपूर्ण है। आज हम देखते हैं कि ग्रामीण जो है युवा अगर वो गांव से नहीं निकल पा रहे हैं तो खाली है, बेरोजगार है, तो वो महिलाएं जो है उनके पास काम नहीं है, घर तक ही सीमित है, घरेलू महिलाएं, उसके बाद का काम क्या है? खेती किसानी से अगर समय बच रहा है तो उसके बाद का क्या काम है? तो अब स्व सहायता समूह की महिलाएं या फिर वहां के युवा जो है गोबर या फिर अन्य जो ग्रामीण व्यवस्था है, अर्थव्यवस्था है, नरवा गरवा घुरवा मारी जो गौठान में अलग अलग जो व्यवस्था की गई है, उन तमाम योजनाओं से जुड़ के रोजगार भी जो है उपलब्ध हो पा रहा है उनके पास, और अर्थव्यवस्था आर्थिक तौर पर जो है वो मजबूत भी हो रहे हैं। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा और शायद हमें इस बात को और बेहतर तरीके से हमारे वरिष्ठ नेता सत्यनारायण शर्मा जी हैं जो कि मंत्री भी रहे हैं, उन्होंने उस दौर को भी देखा होगा और 20 साल के इस छत्तीसगढ़ को भी देख रहे हैं, उसमें 2 साल के भूपेश सरकार को जब वो देख रहे हैं, तो उस अनुभव को भी हमें उससे समझना चाहिए और उम्मीद करनी चाहिए कि जो आगे की व्यवस्था है वो इससे और ज्यादा बेहतर देखने को मिलेगी। ठीक है, सत्यनारायण शर्मा जी के पास मैं आना चाहूंगा। सत्यनारायण जी, 2 साल बीत गए हैं, अब सरकार के पास 3 साल और हैं। सत्यनारायण जी, 3 साल का विकास का ब्लूप्रिंट क्या है और किस तरह से आने वाले अपने 3 सालों को आप देख रहे हैं? देखिए, जो विभव जी ने बताया, अहम बात बताई, इस बाबूलाल शर्मा जी ने बताया, बहुत सही बात बताई। अब आगे का 3 साल हमारा विकास की धारा को लेकर के ही है, शहरी इलाकों में और ग्रामीण अंचल में विकास के जो कार्यक्रम किए जा रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर दिए जा रहे हैं, ये हमारा एक तरह से मुख्य कार्य है। अब इस ओर ज्यादा ध्यान है, नया गांव में और शहरों में बेरोजगार इंजीनियर हैं, इनको सड़कों का काम दिया जा रहा है, सड़कें इनकी देखरेख में बनेंगी और इनकी बेरोजगारी दूर होगी। डेवलपमेंट के काम, 20 लाख रुपए तक के काम ब्लॉक में पंजीयन करा करके काम कराए जाने की व्यवस्था की गई है और इस तरह से विकास के कामों में गति लाने का काम सरकार कर रही है। आने वाला 3 साल सुनहरा अवसर होगा हमारी पार्टी के लिए और इसलिए मैंने मध्य प्रदेश में भी सरकार देखी, छत्तीसगढ़ में भी देखी और जोगी की सरकार देखी, डॉक्टर रमन सिंह की सरकार देखी, लेकिन 2 साल में जो भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो काम करके दिखाया
उससे उत्कृष्ट काम कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। मैं दावे से कह सकता हूँ कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए और लोगों को रोजगार के प्रति आकर्षित करने के लिए और हमारे पशुपालकों के लिए, पशु को ठीक से घर में रखें। पहले गांव पशुओं को खुला छोड़ देते थे सड़कों पर, अब कम से कम सड़क पर पशु दिखाई नहीं दे रहे हैं। पशु को लोग घर में बांधते हैं, उसे अच्छा चारा देते हैं और उसको हमारा पशुपालन पुष्ट हुआ है, मजबूत हुआ है। जी जी, तो भूपेश बघेल जी की सरकार के आने वाले 3 साल ठीक है बाबूलाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, उत्कृष्टता को लेकर के आएंगे। जी जी, अपनी बात पूरी कीजिए। ठीक है बाबूलाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की लोकप्रियता का भी इसमें योगदान रहा है, इस चीज को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि जो 2 साल बेमिसाल रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की भी खासी लोकप्रियता रही है। जहां भी जाते हैं लोगों को अपना लेते हैं, लोगों के बीच घुल मिल जाते हैं। देखिए, भूपेश बघेल को मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत लंबे समय से जानता हूँ, मैं करीब से उनको मैंने देखा है, उसकी संघर्षों को भी मैंने देखा युवा कांग्रेस के समय में। एक जिद जिसको बोलते हैं, जिद करना किसी चीज का और जिद से किसी चीज को प्राप्त करना, ये एक इनका बहुत विशेष स्वरूप है। और जिस तरीके से इनकी सृजन शक्ति है, बुद्धि में जो काम बात चलती है, वो किसानों और ग्रामीणों के ऊपर ही आधारित रहती है। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में भारी प्रदूषण बढ़ गया था और धुएं से लोग परेशान हो गए थे, पराली जलाने की बात आई थी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने उसमें बड़ी चिंता व्यक्त की थी। उसी वक्त भूपेश बघेल ने एक सलाह दी थी कि पराली जलाए मत, किसानों को सलाह दी थी, देश के किसानों को, पराली को जलाए मत, उससे खाद बनाए, एक रचनात्मक सुझाव जिसको केजरीवाल ने आज इंप्लीमेंट कर दिया। और अब सरकार के खर्चे पर जो है उसको, उस पराली को न जलाते हुए खाद बनाने की प्रेरणा दी जा रही है, सरकार अपना खर्च देती है। ये एक सोच होती है किसी व्यक्ति की। देखिए, उस भूपेश बघेल ने किसान मुख्यमंत्री के रूप में अपनी प्रतिष्ठा तो बना ली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उसको बना के कब तक रखेंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जब ये कांग्रेस अध्यक्ष थे और इन्होंने जब दौरा किया पूरे प्रदेश का, उस दौरान लोगों ने समझ लिया था कि ये किसान व्यक्ति है, अगर ये मुख्यमंत्री बना या इसके हाथ में नेतृत्व आया तो निश्चित उससे हमारा भला होगा। एक ये विश्वास का एक स्वरूप बनाने में वो मजबूत साबित हुए और उस विश्वास के चलते और अपने वादों के चलते, जिस तरीके से वादे किए इन्होंने कर्ज माफी के, उसके चलते, और राहुल गांधी ने जो पंच दिया यहाँ पे कि अगर 10 दिन में ये सरकार हमारी बनी और 10 दिन में अगर कर्ज माफ नहीं हुआ तो मैं सरकार को हटा दूंगा, मुख्यमंत्री हटा दूंगा, तो ये बात है लोगों को विश्वास का कारण बनी और लोगों ने विश्वास करके इनको जिताया। आज भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जो बहुत सारी चीजों को आलोचना कर रही है, लेकिन वास्तविकता ये है कि अधिकतम जो है शासन के कोई भी कार्य को अगर 60% अच्छा सफलता मिलती है तो उसको सफल माना जाता है। मैं तो कहता हूँ उससे बेहतर काम इनका इस सरकार का हो गया है। आलोचना जैसा अभी कोई प्रसंग मिल नहीं रहा है, इसलिए जो है वही जरूर आलोचनाएं हो रही है। गोबर योजना, लगता हंसी उड़ाते थे लोग, हमारे जैसे लोगों के दिमाग में, हम बुद्धिजीवी लोग हैं, हमने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था, न चेतन मन में न अचेतन मन में, कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, ऐसा भी कोई विचार हो सकता है कि जिसे गोबर में से धन निकल जाए। माने गोधन, आप बोलते हैं ना, गौ से जो है कितनी चीजें बनती हैं, आप दूध, घी, छाछ, श्रीखंड, दही, दूध पाउडर, पनीर, कितना बाय प्रोडक्ट है, उसी तरह गोबर में भी बाय प्रोडक्ट है। आश्चर्यजनक बात है, आप बताइए। अभी पैरो भाई ने बहुत सारी चीजें गिना दी, मैं समय बर्बाद नहीं करना चाहता जी। और बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें गोबर से भी बन सकती है, ये हमारे छत्तीसगढ़ ने पूरे देश को दिखाया है कि गोबर जो बेकार जाता था, पूरे देश के किसान उस गोबर से क्या क्या कर सकते हैं, ये भूपेश सरकार ने दिखाया है, रास्ता दिखाया है। पराली से खाद बनाई जा सकती है, ये रास्ता दिखाया है। ये कोई किसान मुख्यमंत्री ही कर सकता है, जो जमीन से जुड़ा हुआ हो, खुद जोतता हो बैल को और खुद जो है अपनी किसानी करता हो, वही समझ सकता है इन बातों को। और मैं इस मामले में तो खास करके जो है गरीबों के लिए, ग्रामीणों के लिए, किसानों के लिए सोचने के लिए जो है, मैं भूपेश भाई को बधाई देता हूँ।
निश्चित तौर से। और गोबर से इनकम करना, हालांकि बहुत ही कम लोगों के दिमाग में इस तरह के विचार आते होंगे, इस तरह के आइडियाज आते होंगे, लेकिन गोबर से भी इनकम करना शुरू करवा दिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। वैभव, मैं आपके पास आऊंगा। 29 राष्ट्रीय अवार्ड अब तक छत्तीसगढ़ सरकार को मिल चुके हैं, 30वां 1 जनवरी 2021 को और मिलने जा रहा है प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। 30 अवार्ड हो जाएंगे छत्तीसगढ़ सरकार के खाते में, राष्ट्रीय अवार्ड, 2 साल के अंदर। बिल्कुल, और एक बड़ी उपलब्धि है भूपेश सरकार के लिए। और निश्चित तौर पे इनमें से बहुत सारी जो योजनाएं हैं वो बिल्कुल नई योजनाएं हैं, और वो एक योजना, एक ऐसी योजना है उनमें से जो कि अन्य राज्यों के लिए मॉडल के तौर पर है, और कई राज्य शायद उस पर अब काम करने की शुरुआत की दिशा में भी है। लेकिन मैं जो बात कह रहा हूँ, इस राष्ट्रीय अवार्ड में अगर आप देखेंगे तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गांव नरवा गरवा गुरुआ बाड़ी गोबर या फिर अन्य तरीके से जो कृषि से जुड़े हुए उत्पाद हैं, इसे पे ही सरकार का जो है ज्यादा फोकस है, उसी पे ही अवार्ड मिल रहा है। देखिए, सरकार हर दिशा में बेहतर काम कर रही है, हर मोर्चे पे बेहतर काम कर रही है, और उसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि तकनीक के क्षेत्र में भी जो है पंचायत स्तर पर बेहतर काम हो रहा है। इसी क्षेत्र में छत्तीसगढ़ सरकार को ई पंचायत के लिए भी राष्ट्रीय अवार्ड मिला है, यानी कि पंचायत स्तर पर तकनीकी जो है तरीके से कैसे पंचायती व्यवस्था को सुदृढ़ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, कैसे प्रभावशाली ढंग से योजनाओं को इंटरनेट तकनीक के माध्यम से जो है लागू किया जा सकता है, उसके लिए भी छत्तीसगढ़ सरकार को पुरस्कृत किया गया है। तो बड़ी बात है। तो बताने का मतलब ये है कि तकनीकी तौर पर जो है छत्तीसगढ़ अपने आप को और ज्यादा अपग्रेड, और ज्यादा विकसित करने की ओर आगे बढ़ रही है, आगे बढ़ रहा है छत्तीसगढ़। और उसमें न सिर्फ ई पंचायत का पुरस्कार मिला है, बल्कि छत्तीसगढ़ सरकार की जो सूचना विभाग है, प्रौद्योगिकी विभाग है, उसको भी जो है पुरस्कार मिला है, यानी चीफ संस्था को भी जो है मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल के लिए जो राष्ट्रीय सम्मान मिला है वो भी बड़ी बात है। उसके माध्यम से जो छत्तीसगढ़ सरकार की जो योजनाएं हैं, यानी कैसे आज इस तकनीक के दौर में ज्यादा से ज्यादा विस्तारित हो सके, और किसी एक जगह पे बैठ के आने की आपको आने की जरूरत नहीं है, आपको राजधानी रायपुर आने की जरूरत नहीं है, मंत्रालय आने की जरूरत नहीं है, आपका काम जो है वहीं गांव से पंचायत स्तर पे हो सकता है, जिस इलाके में इंटरनेट है वहां से हो सकता है। तो इस व्यवस्था को भी जो है मजबूत करने का काम इस सरकार ने किया है, वो बड़ी बात है, और इसके लिए केंद्र सरकार की तरफ से पुरस्कृत भी किया गया है। इसमें जो है सत्यनारायण शर्मा जी से जो बात अपने को समझनी चाहिए वो ये है कि इसी भूपेश सरकार ने 142 MOU इस 2 साल में किए हैं। 142 MOU करना एक बड़ी बात है, जिसमें कि 42,000 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्तावित है, यानी कि औद्योगिकरण की दिशा में उद्योगों के माध्यम से छत्तीसगढ़ राज्य का विकास और कैसे किया जाएगा। और इसमें तमाम तरह के सेक्टर शामिल है, ऑटोमोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर है, पंचायती राज व्यवस्था में इंटरनेट से जुड़े हुए अन्य विषय है, ये तमाम जो छोटे छोटे जो उद्योग हैं उनका भी विस्तारीकरण होगा, फूड प्रोसेसिंग यूनिट से जुड़े हुए काम है। तो ये तमाम जो एमयू है वो इस सरकार ने किए हैं 142, और इसके माध्यम से सरकार की तरफ से ये दावा किया गया कि 60,000 लोगों को रोजगार भी मुहैया होगा। तो ये सत्यनारायण शर्मा जी बता पाएंगे बेहतर तरीके से। सत्यनारायण जी, छत्तीसगढ़ को पूरा इंडस्ट्रियल कहा जाता है, तमाम सारी औद्योगिक कंपनियां वहां पर हैं, तो औद्योगिकरण के हिसाब से आने वाले 3 साल कैसे देख रहे हैं, क्या कुछ उद्योग और स्थापित होंगे छत्तीसगढ़ में? जो हमारी उद्योग नीति बनी है वो सर्वश्रेष्ठ उद्योग नीति मानी गई है जी। इन्वेस्टर को सर्वाधिक सुविधाएं देकर के अधिक से अधिक एमओयू को तैयार करना, एमओयू शामिल करना, और एक तरह से इन्वेस्टर हमारे राज्य में इन्वेस्ट करे, रोजगार के अवसर मिले, ये व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। आप देखें, रमन सिंह के टाइम में इतने एमओयू साइन किए गए लेकिन एक भी इन्वेस्टर नहीं आया। यही अंतर है रमन सिंह की सरकार में और भूपेश बघेल जी की सरकार में। जो कहते हैं वो करते हैं, जो सोचते हैं उसको करते हैं, और औद्योगिकरण की दिशा में लोगों को रोजगार मिले, नेशनल प्रोडक्शन की दिशा में हम आगे बढ़े और रेवेन्यू हमें मिले, तीनों बातों को लेकर के इन्होंने जो किए हैं वो प्रगति की पहचान है।
और सबसे ज्यादा लाभ हम लोगों को मिलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, विकास तो तेजी की रफ्तार से सत्यनारायण जी हो रहा है आपके छत्तीसगढ़ में, लेकिन अपराधों को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि अपराधों पर लगाम नहीं लग पा रही है। रायपुर राजधानी की बात कर लें या छत्तीसगढ़ के कुछ जिले हैं जहां पर अपराधों को अगर आपको हाल ही के कुछ दिनों में देखने को मिला है कि तेजी के साथ बढ़ा है। देखिए, अपराधों में सबसे ज्यादा उपलब्धि अपराधों को तलाशने में हुई है, अपराधों को पकड़ा गया है, ये कार्रवाई जितनी भी हुई है ये अपराधों पर नियंत्रण करने की दिशा में है। ये कार्रवाई अगर नहीं होती तो अपराध बढ़ते जाते। जो सटीक कार्रवाई हुई है, पुलिस अधिकारियों ने जो कार्रवाई की है और लोग पकड़े जा रहे हैं, यही पहचान है कि अपराधों पर रोकथाम करने के लिए सरकार सजग है और आखिर अपराध खत्म होंगे और अपराध एक दिन खत्म होंगे। भूपेश बघेल जी की सरकार में अपराध खत्म होंगे कि नहीं ये तो नहीं कहा जा सकता फिलहाल। वैभव, मैं सत्यनारायण शर्मा जी के की ओर जो है कुछ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, क्योंकि जब सरकार की उपलब्धियों पे बात हो रही है तो हम चाहेंगे कि इन तीन वर्षों में वो उपलब्धियां भी जुड़ जाए जो कि इनकी वादों में शामिल रहे हैं, यानी कि स्काई वॉक, जिसको कि एक बड़े जो है मुद्दे के तौर पर छत्तीसगढ़ में देखा गया है, राजधानी रायपुर का वो मसला है, इसका विभाग को भी कैसे बेहतर तरीके से उसको प्रस्तुत कर पाए, रहेगा नहीं रहेगा, तीन साल में उसका कैसी उपयोगिता होगी, इस दिशा में भी बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि शराबबंदी का जो करने शराबबंदी जो करना है छत्तीसगढ़ में, उसका मॉडल भी किस तरीके से हो ताकि बाकी राज्यों में शायद उसी दिशा में आगे बढ़ सके। इसके अलावा आदिवासी अंचलों में एक मसला ये भी रहा है कि आदिवासियों की रिहाई किस तरीके से आगे बढ़ेगी, मुझे लगता है अगर उस पर और कुछ ज्यादा बेहतर वो फोकस कर पाए तो शायद हो सकता है कि हम दो साल में जिन उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे हैं आने वाले तीसरे साल में इन विषयों पर भी चर्चा करें और इसके लिए भी सरकार शायद कोई मॉडल प्रस्तुत कर पाए और आने वाले समय में राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल सकता है। ये सुझाव जरूर दे। तो बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल शर्मा जी अगर इन मुद्दों की ओर बात करेंगे रखेंगे तो शायद सत्यनारायण शर्मा जी उस पर बेहतर कह पाएंगे और फिर हम उम्मीद को जो है और ज्यादा पाएंगे। सत्यनारायण शर्मा जी, आदिवासियों की रिहाई, स्काई वॉक और शराबबंदी, मैं इसी के बारे में बताना चाहता हूँ कि स्काई वॉक की जो व्यवस्था है ये बिना सोची समझी योजना थी। अब कोविड के कारण इस पर कोई प्रभावशाली कार्रवाई नहीं हो सकी, लेकिन हमने हमारी कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है। अब दूसरी बात, ये जो टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट है वो सरकार को जाएगी, अब बहुत जल्दी इस पर निर्णय लिया जा सकेगा। दूसरा, शराबबंदी की समिति का सवाल, उसमें भी कोविड के कारण कोई बैठकें नहीं हो सकी। दूसरा, बीजेपी ने और जोगी कांग पार्टी ने अपने नॉमिनी का नाम नहीं दिया, अपने प्रतिनिधि जो बैठक में बैठकर विचार रखते थे नहीं किया, दूसरे प्रांतों में दौरा नहीं कर सकी कमेटी और उसके कारण इसमें विलंब हुआ है, लेकिन बहुत शीघ्र इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। मैं बताना चाहता हूँ आदिवासी भाइयों की रिहाई के लिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छे काम किए, कितने प्रकरण वापस लिए गए उनके, अनावश्यक जो रमन सरकार के टाइम में आदिवासियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे वो प्राय मुकदमे वापस लिए जा रहे हैं। आदिवासियों में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ा है और भूपेश बघेल जी की कार्यप्रणाली को श्रेष्ठ कार्यप्रणाली बताई। नहीं, आने वाले तीन सालों में और क्या क्या प्रयास रहेंगे सरकार के शराबबंदी को लेकर और आदिवासियों की रायों को लेकर? चलिए, बैठक नहीं हो पा रही है लॉकडाउन के चलते, कोविड के चलते ये मानते हैं, लेकिन वर्चुअली बैठक कर लीजिए, हल निकाल लीजिए शराबबंदी का भी, ऑनलाइन सारी चीजें हो रही है, पढ़ाई भी, बच्चे पढ़ भी तो रहे हैं। नहीं, आप पूरी तरह से मीटिंग बुला के कार्रवाई कर लेंगे। विधानसभा सत्र में जो विधायक आ रहे हैं तो मीटिंग में भी आएंगे। तो आने वाले तीन सालों में और क्या कुछ प्रयास रहेंगे सरकार के? मेरा सवाल ये है इन दोनों चीजों के लिए, शराबबंदी को लेकर और आदिवासियों की रिहाई को लेकर। तीन तो इसमें आने वाले तीन साल में दोनों मुद्दों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, इसके दुष्परिणाम क्या होंगे
और क्या ये संभव है? दूसरे प्रांतों में सर नशाबंदी हुई थी, आखिर किस वजह से उन प्रांतों में नशाबंदी खत्म कर दी? सारी चीजों पर देखना पड़ेगा, व्यापक दृष्टिकोण से देखना पड़ेगा, प्रतिकूल अनुकूल और प्रतिकूल प्रतिक्रिया क्या होगी। बाबूलाल जी, मैं आपके पास आऊंगा। शराबबंदी को लेकर सत्यनारायण जी की बात से ऐसा लग रहा है कि शराबबंदी को लेकर सरकार अभी संशय में है कि अनुकूल या प्रतिकूल प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। आपको क्या लग रहा है, क्या शराबबंदी छत्तीसगढ़ में संभव हो पाएगी? अगर हो पाएगी तो उसके लिए क्या प्रयास सरकार को करने चाहिए? देखिए, मैं व्यवहारिक बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ आपको। शराबबंदी न उस सरकार ने 15 साल में संभव था, न अब भी संभव है। प्रयास सकते हैं, प्रयास करना चाहिए। और हमारे आदिवासी क्षेत्र की जो क्षेत्र है हमारा छत्तीसगढ़, आदिवासियों के देवताओं की पूजा शराब से होती है, तो बहुत सारी परेशानियां यहाँ पर है और बड़े ध्यान से जो है उसको करना पड़ेगा। धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ये 3 साल में संभव मुझे नहीं लगता, मेरा व्यक्तिगत विचार है। एक मैं आपको बात करना चाहता हूँ कि देखिए, भ्रष्टाचार, अपराध और नक्सलवाद, ये 3 चीजें समाप्त नहीं हो सकती, ये आप मान के चलिए। ये सिस्टम में रहेगी जब तक कि बहुत बड़ा कोई व्यापक इसका कोई अभियान न चले और कोई ऐसी परिस्थितियां ना आ जाए। मैं तो इसको दूसरे ढंग से मानता हूँ कि भगवान कल्की अवतार लेंगे, कल्की का अवतार जब होगा तभी भ्रष्टाचार खत्म हो सकता है, नहीं तो मेरे को तो नहीं लगता हो जाए। लेकिन ये है, आपको सतर्कता इस बात की बरतनी होगी कि सरकार के स्तर पर किसी प्रकार का भ्रष्टाचार जो है वो न आए, न हो पाए। सिस्टम में तो आप उसको खत्म नहीं कर सकते, लेकिन आपका अगर सुशासन रहेगा तो धीरे धीरे जो है भ्रष्टाचार करने वालों के ऊपर में डर और भय का वातावरण बनेगा, तो वो हो सकता है। और अपराध जो है वो होते हैं नियंत्रण में। मैं सत्यनारायण भाई के इस बात से सहमत हूँ कि कार्रवाई करने वाली, जो मैक्सिमम कार्रवाई करने वाली सरकार जो है अच्छी सरकार मानी जाती है। और जो स्थितियां हैं वो रमन सरकार के समय भी था, घटनाएं घटती थी, कार्रवाई होती थी, इस समय भी ऐसी घटनाएं घटती है, कार्रवाई हो रही है, इसमें किसी प्रकार की बड़ी आलोचना का विषय जो है एक दूसरे के बीच में नहीं है। नक्सलवाद जो है अभी कुछ नियंत्रण में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र की जो योजनाएं हैं वो उनको भी प्रभावित कर रही है कि कुछ अच्छा करने के प्रयास की सरकार कर रही है, मुझे जो लगता है, मैं व्यक्तिगत रूप से बोल रहा हूँ। तो ये चीजें हैं, और वायदा सभी वायदे पूरे हो जाए या कर दे सरकार, मैंने तो अभी तक नहीं देखी है। हिंदुस्तान के अंदर में कुछ ना कुछ वायदे बच जाते हैं, लेकिन जो 60-70% फायदे पूरा कर दे वो सरकार महत्व होती है और अच्छी मानी जाती है, विश्वसनीय मानी जाती है। और प्रमुख मुद्दे जो रहते हैं, प्रमुख चीजें, जैसे एक इनका शराबबंदी का और बेरोजगारी का जो मुद्दा है वो छूट रहा है, बड़ा मुद्दा। बाकी जितने बड़े मुद्दे इन्होंने वायदे किए थे वो इन्होंने पूरा करने का प्रयास किया। कमोबेश सिस्टम में अगर कोई गड़बड़ियां हो रही है, मैं मानता हूं कि गड़बड़ियां तो होती ही है, वो सिस्टम में रहती है, आपके विचार में नहीं आना चाहिए वो गड़बड़ियां। आज तक तो किसी बड़े घपले की बात अभी तक सामने नहीं आई है, और कोशिश होनी चाहिए इस सरकार की किसी प्रकार का ऐसा बड़ा भ्रष्टाचार जो सरकार के स्तर पर ना हो, और किसी प्रकार की ऐसी बात अगर आ गई तो सारा किया धरा किनारे रह जाएगा। जैसे आरोप जो है वो प्रमाण के साथ लगाने चाहिए, भूमिका। अभी देखिए, रमन सिंह जी ने एक आरोप लगाया कि चारा घोटाले की जैसी जो है गोबर के योजना में जो है वो घोटाला होने वाला है, इसकी भूमिका बनाई जा रही है, भूमिका बन रही है। तो भूमिका बन रही है कैसे समझ लिया आपने, भविष्यवाणी कैसे कर दी, यानी आपको पता है कि घोटाले की भूमिका कैसे बनाई जाती है, ये आपकी जानकारी में है। इसलिए अरे प्रमाण दीजिए उस चीज का कि भाई इस तरह से हो रहा है। 2 बैलों के मालिक का अगर 1800 किलो गोबर बेच रहा है तो वो 2 बैलों से ही हुआ होगा, जरूरी नहीं है। आजकल तो ये सुनने में आ रहा है कि जो बीनने वाले लोग हैं वो ले जाकर बेच रहे हैं, लोग खरीद के जमा कर रहे हैं और स्वसहायता समूह में बेच रहे हैं। तो ये सारी बातों का अध्ययन होने के बाद में अगर वास्तव में आरोप सही है तो फिर सरकार को भी विपक्ष के आरोपों को गंभीरता से लेकर के सकारात्मक सोच के साथ में उस बात को देख लेना चाहिए, दिखवा लेना चाहिए कहीं वास्तव में ये बात सही तो नहीं है, अगर सही है तो उसको सुधार करना चाहिए। ठीक है, सत्यनारायण जी से एक सवाल का जवाब मैं लेना चाहूंगा। सत्यनारायण जी, युवाओं को थोड़ा रोजगार के बारे में बता दीजिए। जी, युवाओं को रोजगार के बारे में जैसे मैंने पहले ही बताया, निर्माण कार्यों में बेरोजगार इंजीनियर जो हैं, इनको प्रति सड़क एक एक सड़क पर उनको अवसर दिए जा रहे हैं। ब्लॉकों में पंजीयन किया जा रहा है, 20 लाख रुपए तक के काम लोगों को दिए जाएंगे, इसके लिए कोई निविदा की आवश्यकता नहीं होगी।
गुणदोष के आधार पर कार्य किया जाएगा। और जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, औद्योगिक क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सबको मिलेंगे। इसके अलावा विभागीय भर्तियां हैं, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे ट्राइबल हो, चाहे पंचायत डिपार्टमेंट हो, चाहे कहीं का मंडी हो, चाहे कहीं के भी हो, रोजगार के अवसर इन्हें मिलेंगे। ये अवसर दिए जा रहे हैं। नहीं, जो सरकारी विभाग हैं जिनमें जो रिक्त पद हैं उनके लिए अब तक अवसर मिलेंगे, कब तक भर्ती निकलेंगी, कुछ अंदाजा जिससे युवा उम्मीद बना सके, उम्मीद बांध सके? जो रिक्त पद है उनको उनके लिए तो वित्त विभाग अनुमति दे रहा है। ठीक है, चलिए वैभव मैं आपके पास आना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में किसानों को लेकर शांति है काफी, अगर ये कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखिए देश भर में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंघू बॉर्डर पर किसान लगातार डटे हुए हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल सरकार की जो योजना है उनसे किसान ठीक है, उन्हें ज्यादा चिंता नहीं है भविष्य को लेकर। धान खरीदी सुनिश्चित समय पर हो रही है, जो रकम तय की गई थी 2500 रुपए 2500 रुपए में धान खरीदी हो रही है, तो जरा किसानों की स्थिति पर भी वैभव प्रकाश डालिए छत्तीसगढ़ में। बिल्कुल, और समय भी समाप्त होने वाला है तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात को कह रहा हूं कि देखिए छत्तीसगढ़ में न सिर्फ किसानों को लेकर के बल्कि तमाम व्यवस्था जो है, तमाम विषयों को लेकर के काफी अच्छा वातावरण है और अराजकता वाली स्थिति नहीं है, अव्यवस्था वाली स्थिति नहीं है। कई राज्यों में हम देख रहे हैं अलग अलग विषयों को लेकर के, कहीं पानी को लेकर के बहुत समस्या है, कहीं पे जो है खेती किसानी को लेकर के, सिंचाई को लेकर के समस्या है, कहीं पे जो है कृषि उत्पादों को, जो वनोपज को लेकर के, उसके दामों को लेकर के समस्या है। लेकिन छत्तीसगढ़ इस मामले में काफी आगे है, इससे कतई इनकार नहीं किया जा सकता है। लघु वनोपज में भी जो है अब काफी अच्छे बेहतर दाम में बिक रहे हैं, 4000 रुपए जो है प्रति मानक बोरा में तेंदुपत्ता जो है खरीदी जा रही है। इसी तरीके से 2500 रुपए अगर किसानों को मिल रहा है धान खरीदी में, तो एक बड़ी बात है, किसी भी राज्य में नहीं है 2500 रुपए में, किसी भी राज्य में खरीदी नहीं हो रही, छत्तीसगढ़ में हो रही है। तो स्वाभाविक तौर पर किसान तो यहाँ पे खुश रहेंगे और इससे किसान इनकार भी नहीं करते। और मैंने इस बात को जो है गांव में जाकर के, किसानों के बीच जाकर के महसूस किया है। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ कि 2 साल की जो छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धियां रही है, निश्चित तौर पर उपलब्धियों का होना ये माना जाता है कि आप बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जवाबदेही भी बन जाती है कि आपको इस काम को भविष्य में और बेहतर करना है। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने जो नारा दिया है गर्भो नवा छत्तीसगढ़, तो मैं उम्मीद यही कर सकता हूं कि आने वाले वर्ष में, तीसरे वर्ष में जब भूपेश बघेल तीसरी वर्षगांठ जब भूपेश सरकार मना रही होगी, तब हम बैठेंगे और बात करेंगे, तो जो आज अवार्ड की स्थिति है 29-30 अवार्ड की स्थिति है, शायद वो बढ़कर के 50 तक पहुंच जाएगा। और हम उम्मीद करेंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार तमाम सेक्टरों में बेहतर इसी तरीके से काम करते रहेगी। और जो विषय, जिन विषयों के बारे में अभी सत्यनारायण शर्मा जी कह रहे थे, बाबूलाल शर्मा जी अपने अनुभव से जिन बातों को रख रहे थे, उन विषयों पर सरकार और केंद्रित होकर के काम करेगी और उन मुद्दों को भी जो है छुएगी जो कि जनहित से जुड़े हुए विषय हैं, और शायद उस पर भी कोई ऐसा मॉडल सरकार लेकर के आएगी जो कि अन्य राज्यों के लिए एक तरीके से अनुकरणीय बन के उसका अनुसरण वो जो है राज्य कर सके। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कम से कम इस भूपेश सरकार से, जिससे जो है उम्मीदें ज्यादा बंधी हुई है सभी लोगों की, छत्तीसगढ़ के जितने रहवासी हैं उन सब की, क्योंकि बड़ी जीत के साथ भूपेश सरकार छत्तीसगढ़ में आई है और उस अंतर को, उसको बरकरार भी सरकार रखना चाहेगी आने वाले वर्षों में। तो जवाबदारी और जिम्मेदारी इस सरकार के सामने ज्यादा है, इससे कतई इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, और वक्त भी हो गया है वैभव, वक्त मुझे ज्यादा सवालों की इजाजत अब नहीं दे रहा है। जाते जाते अंतिम टिप्पणी लेना चाहूंगा बाबूलाल शर्मा जी की। बाबूलाल जी, कितना भी उत्कृष्ट कार्य कीजिए, कितनी भी अच्छा कार्य कीजिए, लेकिन थोड़ी बहुत खामियां रह जाती हैं, और छत्तीसगढ़ सरकार और आगे ऐसा क्या करे, क्या कुछ खामियां रह गई जिनको इम्प्रूव आगे किया जा सकता है, सरकार को किस तरह की पहल करनी चाहिए? जाते जाते लास्ट कमेंट आपका। देखिए, जो योजनाएं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जो योजनाएं उन्होंने बनाई है वो ईमानदारी से अंतिम आदमी तक पहुंच जाए। जो आपकी योजना है जिसको लाभ पहुंचाने के लिए है, जिस उद्देश्य से बनाई गई है, वो उद्देश्य पूरा हो। पूरी सरकार के लोगों का ध्यान उस पर रहना चाहिए, उनके कार्यकर्ताओं का ध्यान उस पर रहना चाहिए, उनके संगठन का ध्यान उन पर रहना चाहिए और मंत्रियों का ध्यान उन पर रहना चाहिए। अगर आपने ये समय बेकार कर दिया और इस चीज का ध्यान नहीं रखा, और ये योजनाओं में से कोई भी योजना अगर आरोप लगाने लायक हो गई,
तो निश्चित रूप से आपको नुकसान होगा। आपको सारी योजनाओं को जितनी बनी है उस पर ध्यान देते हुए इम्प्लीमेंटेशन हो, अंतिम आदमी तक के लाभ पहुंचे, इस बात का पूरा पूरा ध्यान आपके सब लोगों को मिल करके रखना होगा। और जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष अगर कोई आरोप लगाता है और आपको भले ही आप विधानसभा में उसका जवाब किसी भी तरह से दो, लेकिन उसको सकारात्मक रूप से स्वीकार करो और बाहर जाकर के जो है उसकी जानकारी दो कि वो आरोप जो है वो कैसे आया और क्या उसमें सच्चाई है। अगर सच्चाई है तो उस पोल को बंद करना पड़ेगा। चलिए बहुत शुक्रिया बाबूलाल जी आपका, और सत्यनारायण शर्मा जी आपका, और वैभव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ हमारे इस खास चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।